हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेडिलेंथस कैसे ग्रो करें और कुछ लोग इसे डेविल्स बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, आप किस तरह से इसको उगाएं कि ये टाइमली रिजल्ट दे और अच्छा उगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेंगे हम डेविल्स बैकबोन की कटिंग। इसको मैंने कुछ इस तरह से गूंथ लिया है, इससे इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है और अलग अलग टहनियाँ अच्छी भी नहीं लगती, वो ज़्यादा फैली फैली सी लगती है। इसको ऐसा करने से इसको एक प्रॉपर ट्री की शेप मिल जाती है, ऊपर से पत्ते और नीचे से एक साथ सब बंधे हुए। मैंने इसको यहाँ पर बांध दिया है। दोस्तों याद रखें कि इसको ज़्यादा टाइट ना बांधें क्योंकि ये अपना साइज बढ़ाती हैं, और मैंने उन टहनियों को लिया है जो थोड़ी पतली हैं, जिनको मोड़ना आसान था। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको पॉट में प्लेस करें। मैंने लिया है यहां पर 5 इंचेस डायमीटर का एक पॉट जो कि नीचे से थोड़ा चौड़ा है, इससे जड़ों को फैलने में काफी आसानी होगी। और याद रखें दोस्तों, जब आप कोई भी पॉट लें इस पेड़ के लिए तो उसमें ये छेद जरूर होना चाहिए क्योंकि इस पौधे को पानी की कम आवश्यकता होती है और ये ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल जाती हैं, इसलिए यहाँ पर एक छेद किया हुआ है। अब हम इस पर कुछ पत्थर रखेंगे जैसा कि नॉर्मली कोई भी पौधा लगाते समय करते हैं। पत्थर इस तरह से रखें कि वो छेद बंद ना हो। मैंने कुछ इस तरह से रखा है। मैं यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सोयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें गोबर के उपलों को चूरा बना के मिलाया हुआ है। इस पॉट को भरेंगे अच्छी तरह से फैलाने के बाद। मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी तक इसमें कोई भी रूट्स नहीं है। अब हम इसको पॉट में लगाएंगे। साइडों से मिट्टी से कवर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल करूंगा। इससे क्या होता है कि पौधे में फंगस या बैक्टीरिया नहीं लग पाता और ये एंटी फंगल का काम करती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी छिड़क दूंगा। ये नॉर्मल हल्दी है जैसी आप किचन में यूज करते हैं, कुछ इस तरह से हल्दी मैंने इसके अंदर छिड़क दी है। और यहां पर मैं इसमें आधा चम्मच के करीब सरसों की खल, मस्टर्ड केक का पिसा हुआ चूरा डालूंगा, वो हमें फैला के डाल देना है। ये एक बहुत ही अच्छी खाद होती है, पौधे के लिए बहुत ही अच्छा पोषण होता है। मिट्टी से कवर कर देंगे। इस पौधे के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मिट्टी और पॉट इस तरह का होना चाहिए जिसमें से पानी आराम से निकल जाए, क्योंकि अगर पानी रुका तो इसकी जड़ें गल जाती हैं और टहनियां भी। अच्छे से कवर कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा हल्के हाथ से पानी डालूंगा। इस पौधे को आप इसकी कटिंग से ही उगा सकते हैं। ये पौधा मैंने अपने पड़ोसियों से लिया था, उनके गमले में काफी अच्छा उग रहा था ये, तो मुझे लगा कि इसको एक छोटे पॉट में लगाकर क्यों ना घर के अंदर रखा जाए, क्योंकि एक इंडोर प्लांट भी है। और ये बाकी पौधों के मुकाबले बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। हमें इसे 7 से 8 दिनों के लिए ऐसे जगह पर रखना होगा जहां पर थोड़ी धूप आती हो, अधिकतर छांव रहती हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे फ्यूचर में आपको मेरी बनाई हुई अच्छी अच्छी वीडियोज मिल सकें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।